ब्रिटिश भारत में रियासतें ब्रिटिश राज के दौरान अविभाजित भारत में स्वायत्त राज्य थे। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में रियासत, रजवाड़े या व्यापक अर्थ में देशी रियासत कहते थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थे, बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे, परंतु उन भारतीय शासकों पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का ही नियंत्रण रहता था। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब यहाँ 562 रियासतें थीं। इनमें से अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से लोक सेवा प्रदान करने एवं कर टैक्स वसूलने का ठेका ले लिया था। कुल 565 में से केवल 21 रियासतों में ही सरकार थी और मैसूर, हैदराबाद तथा कश्मीर नाम की सिर्फ 3 रियासतें ही क्षेत्रफल में बड़ी थी। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटानियों से मुक्ति मिलने पर इन सभी रियासतों को विभाजित भारत, भारत अधिराज्य और विभाजन के बाद बने मूल पाकिस्तान में मिला लिया गया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अंत हो जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीति कौशल के कारण हैदराबाद, कश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतें शांतिपूर्वक भारतीय संघ में मिल गईं। 26 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाने पर वहां के महाराजा हरि सिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला दिया। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके कारण प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रहित में उसे भारत में मिला लिया गया। वहां का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 1948 में सैनिक कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। मुगल तथा मराठा साम्राज्यों के पतन के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष बहुत से छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया। इनमें से सिंध, भावलपुर, दिल्ली, अवध, रोहिलखंड, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ और सूरत में मुस्लिम शासक थे। पंजाब तथा सरहिंद में अधिकांश सिखों के राज्य थे। आसाम, मणिपुर, कछार, त्रिपुरा, जैतिया, तंजोर, कुर्ग, ट्रावनकोर, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा तथा राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, काठियावाड़, मध्य भारत और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में हिंदू शासक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध सर्वप्रथम व्यापार के उद्देश्य से सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल आदि समुद्र तट पर स्थित राज्यों से हुए। तदंतर फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष के समय राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रेरणा मिली। इसके फलस्वरूप साम्राज्य निर्माण का कार्य 1757 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1856 तक चलता रहा। इस एक शताब्दी में देशी राज्यों के आपसी झगड़ों से लाभ उठाकर कंपनी ने अपनी कूटनीतिक सैनिक शक्ति द्वारा सारे भारत पर सार्वभौम सत्ता स्थापित कर ली। अनेक राज्य उसके साम्राज्य में विलीन हो गए, अन्य सभी उसका संरक्षण प्राप्त करके कंपनी के अधीन बन गए। यह अधीन राज्य रियासत कहे जाने लगे। इनकी स्थिति उत्तरोत्तर असंतोषजनक तथा डावाडोल होती गई। रियासतों की शक्ति क्षीण होती गई, उनकी सीमाएं घटती गईं और स्वतंत्रता कम होती चली गई। 1756 तक कर्नाटक और तंजावुर क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गई। 1757 में बंगाल भी उसके प्रभाव क्षेत्र में आ गया। 1761 तक हैदराबाद के निजाम उसका मित्र बन गया। 1765 में बंगाल की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसी वर्ष इलाहाबाद की संधि द्वारा दिल्ली के सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कंपनी की मैत्री हो गई तथा भारतीय रियासतों के साथ उसके संबंधों का वास्तविक सूत्रपात हुआ। 1765 से 1798 तक मराठा, अफगानों तथा मैसूर के सुल्तानों के भय के कारण आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होकर कंपनी ने आरक्षण नीति द्वारा पड़ोसी राज्यों को अंतरिम राज्य बनाया, जिससे नव निर्मित ब्रिटिश राज्य शक्तिशाली मित्र राज्यों से घिरकर सुरक्षित बन गया। इस अवसरवादी नीति को अवध और हैदराबाद रियासत के साथ कार्यान्वित किया गया। इसके अनुसार दिखावे के लिए उनके साथ समानता का व्यवहार किया गया, परंतु वास्तविकता यह थी कि इस प्रक्रिया में उन्हें अधीन बनाने, उनकी सैनिक शक्ति क्षीण करने तथा उसके संपन्न भागों पर अधिकार करने के किसी अवसर को कंपनी ने अपने हाथ से बाहर न जाने दिया। रियासतों के प्रति जितनी नीतियां कंपनी ने भविष्य में अपनाई, उनमें से अधिकांश अवध में पोषित हुई। इस काल में कंपनी ने मैसूर तथा मराठा राज्य में फूट डालकर हैदराबाद के सहयोग से उनके विरुद्ध युद्ध किए। अवध को रोहिलखंड हड़पने में सहायता देकर रामपुर का छोटा राज्य बना दिया।